हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है मिक्स वेज पनीर की सब्जी। आज बनाएंगे पनीर की सब्जी। तो जिसके लिए मैंने ये मीडियम साइज के 2 प्याज को छील के ले लिया है, ये टमाटर है। तो ये प्याज की पीस के ग्रेवी बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे, और ये टोमेटो की भी पेस्ट बनाएंगे, और काजू और मगजतरी है इसकी भी पेस्ट बनाएंगे, और इसके अंदर अदरक और लहसुन है इसको भी पीसना है। और ये मैंने प्याज के इस तरह से लेयर निकाल लिए हैं, कैप्सिकम है थोड़ा, कैप्सिकम ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, ये पनीर है, और अभी थोड़ा और भी पनीर डालेंगे। तो बस फिलहाल अपने ये प्याज, टोमेटो और ये काजू, इसकी पेस्ट बनाते हैं। टोमेटो की पेस्ट बनाते टाइम ही अपने ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे सब्जी का बहुत बढ़िया अच्छा कलर आएगा। ये पनीर की सब्जी के लिए इतना पनीर तो था मेरे पास, पर मैंने अभी घर पे ही ये बढ़िया सा फ्रेश पनीर बनाया है, और अब अपने इसके पीसीस कर लेते हैं। आज बनाएंगे पनीर की सब्जी, जिसके लिए मैंने घर का बना हुआ ये पनीर ले लिया है, और पनीर के टुकड़े कर लिए हैं। ये कुछ क्रम्बल किया हुआ पनीर है, इसको ग्रेवी में डालेंगे। ये कैप्सिकम के टुकड़े काट लिए हैं, शिमला मिर्च के, ये प्याज की स्लाइस ले ली है, और ये टोमेटो के कुछ टुकड़े हैं, और ये मैंने कच्ची प्याज की, 2 बड़ी प्याज की ग्रेवी बनाई है, पेस्ट बनाई है। ये टोमेटो के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल के पेस्ट बना ली है। ये काजू और मगजतरी की पेस्ट है, ये घर की मलाई है मैंने अच्छे से फेंट के ले ली है। तड़के के अंदर डालने के लिए जीरा है, साबुत मसाले में दालचीनी, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सबका इलायची का थोड़ा मुंह खोल लिया है, प्रेस कर लिया है, और ये साबुत लाल मिर्च, ये हरी मिर्च तीखेपन के लिए, क्योंकि मैं टोटली कश्मीरी लाल मिर्च ही इस्तेमाल करती हूँ इसलिए, और ये अदरक लहसुन फ्रेश क्रश करके बनाया हुआ पेस्ट, ये 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और ये है कसूरी मेथी, नमक जाएगा स्वादानुसार, और लास्ट में डालेंगे गरम मसाला। और ये मैंने लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, और ये अपने सबसे पहले डालेंगे जीरा, और उसके साथ साथ ही डाल देते हैं ये खड़े मसाले, और इसको होने देते हैं क्रैकल्स, पॉप्स हो जाने के बाद अपने इसके अंदर सबसे पहले तो ये प्याज की पेस्ट डालेंगे। तो ये अपना मसाला थोड़ा हो गया है, ये खड़े मसाले, और अब अपने ये अपना तेल, और अब इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब अपनी ये प्याज अच्छे से भून चुकी है, अब इसी स्टेज पे इसको भूनते हुए 4-5 मिनट हो गए थे, अब ये पहले डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ में ये डाल देते हैं हरी मिर्च, ताकि ये बढ़िया सी हरी मिर्च का तीखापन, फ्लेवर और टेस्ट दोनों बढ़िया सा इसके अंदर अपने को मिल जाए। और इसको भी 1 आध मिनट के लिए भूनते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट को। और अब अपनी ये पेस्ट हो गई है अदरक लहसुन की, और अब इसी स्टेज पे अपने सबसे पहले तो डाल देंगे ये टोमेटो और कश्मीरी लाल मिर्च की ग्रेवी, और ये मसाले भी इसी समय डाल देंगे, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, ताकि ये टोमेटो की ग्रेवी के साथ साथ इसी में पक जाए। और इसको थोड़ा सा इसके अंदर अपने पानी डाल देंगे, ताकि अपने मसाले जले नहीं, और अब अपने इसको कवर करके जब तक ये तेल नहीं छोड़ता तब तक होने देते हैं। ये देखिए अब अपनी टोमेटो की ग्रेवी
बन चुकी है, मसाले भी भून चुके हैं और इसके अंदर से देखिए तेल बढ़िया सा सेपरेट होने लगा है। और हम अपने इसी स्टेज पे इसके अंदर अब डाल देते हैं ये काजू और मगज करी की पेस्ट, और इसको अब अपने लगातार चलाएंगे, क्योंकि मगज की पेस्ट नहीं तो काजू और मगज की पेस्ट चिपक जाती है। तो इसको अपने लगातार चला के पकाते हैं जब तक इसमें से भी ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता। अब अपनी ये काजू और मगज करी की पेस्ट भी भून के रेडी हो गई है। और अब अपने इसके अंदर पहले तो थोड़ा पानी डाल के थोड़ी ग्रेवी को पकाएंगे, और गैस की आंच को कर देंगे थोड़ी फास्ट, और नमक डाल देंगे इसी स्टेज पे। अभी अपने कहीं भी नमक नहीं डाला था तो ये नमक गया स्वादानुसार नमक। और बस अब अपने इसको ढक के अब मीडियम आंच पे इसको तेल सेपरेट होने तक ढक के पकने देते हैं। ये कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल, और अब अपने पहले तो शिमला मिर्च को इसमें फ्राई करेंगे। मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, बाद में मैं इसको थोड़ा सा सब्जी में तो कम ही डालेंगे। तब ये देखिए अब इसमें डाल देते हैं मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा इसमें नमक, मिर्ची घर का, शिमला मिर्च घर का, और इसको फास्ट आँच पे रोस्ट कर लेते हैं। बढ़िया सा शैलो फ्राई। और इसी स्टेज पे इसमें अपने प्याज और टमाटर इसको भी डाल के बस हल्का सा 2 मिनट सैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स की कंटिन्यूस बनी रहनी चाहिए। बस 2 मिनट बाद इसको अपने कर देते हैं अब बंद। फिर से सेम कढ़ाई में तेल डाल के अब इसमें पनीर सौटे कर लेंगे। तो ये गया अपना पनीर, और इसके ऊपर भी ये थोड़ा सा मिर्ची और हल्दी डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। बस इसको हल्के हाथ से ही जरा सा इसके ऊपर ब्राउन थोड़ा सा स्पॉट आ जाए फिर बंद कर देंगे, क्योंकि पनीर को बहुत ज़्यादा सौते करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। अब अपनी ये पनीर की ग्रेवी टोटली कुक होके रेडी हो गई है। अब हम इसमें सब्जी असेंबल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो अपने डाल देते हैं ये क्रम्बल किया हुआ पनीर। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे ये अपने कैप्सिकम, टमाटर और प्याज, और इसी स्टेज पे अब डाल देंगे ये गरम मसाला ताकि ये भी कुक होता रहे साथ में, और गैस की आंच को कर देंगे फास्ट। और ये अब मैं देखिए घर की बनी मलाई, इसीलिए मैंने तड़के में तेल का घी नहीं डाला था। ये देखिए कितनी सारी मलाई है, ये बस मलाई गई। और अब अपने इसको अच्छे से कर देते हैं पहले तो मिक्स, और इसके होने देते हैं बढ़िया सा कुक। ये मलाई से सब्जी की रिचनेस बहुत ही बढ़ जाएगी बढ़िया सी, पर इसके अंदर छींटे उड़ रहे हैं, बहुत संभाल के करना पड़ता है। ये दही अपनी क्रीम, और अब इसी स्टेज पे डाल देते हैं बढ़िया सी कसूरी मेथी। ये देखिए, और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और अब इसी स्टेज पे अब अपने डाल देते हैं इसके अंदर ये अपना सेलो फ्राई किया हुआ पनीर।
गया अपना पनीर, और इसको भी अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और इसको अब कवर करके अपने 2 मिनट के लिए होने देते हैं। और अब अपनी ये पनीर की बढ़िया सी सब्जी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, उसके ऊपर तेल भी सेपरेट हो गया है, तेल भी, और तेल और मलाई का घी। और बढ़िया सी गैस की आंच को कर देते हैं बंद। और ये मैं कैप्सिकम हमेशा थोड़ी अलग से एक्स्ट्रा भी सैलो फ्राई करके रख लेती हूँ, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए, तो इसके अंदर तो जितनी ज़रूरत थी उतनी डाल दी। और अब ये सब्जी मैं आपको चला के दिखा रहे हैं, और अभी ये जस्ट 10 मिनट बाद इसकी थिकनेस एकदम से बढ़ जाएगी। और ये अब अपनी सब्जी है रेडी, इसको अब धनिया से करते हैं गार्निश। और ये अब अपनी सब्जी पे गया बढ़िया सा फ्रेश धनिया। ये अपनी मिक्स वेज पनीर सब्जी बनके रेडी है। इसके अंदर मैंने कैप्सिकम, प्याज की स्लाइस, टमाटर और पनीर डाल के बढ़िया सी टेस्टी सब्जी बनाई है। बस इसको रोटी, नान, कुलचा किसी के भी साथ एंजॉय करें, बहुत बढ़िया लगती है। बस रेडी टू सर्व। अब ये पनीर की सब्जी को अपने हांडी में सर्व करते हैं। तो बढ़िया सी अपनी पनीर की सब्जी सर्व होने के लिए रेडी हो गई है। ये अपनी मिक्स वेज सब्जी पे गया बढ़िया सा फ्रेश धनिया। और फाइनली अब अपनी ये पनीर की सब्जी बनके रेडी हो गई है, जिसको मैंने इस तरह से हांडी में सर्व किया है। बस गर्मा गर्म एंजॉय करते हैं। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।